मध्य प्रदेश की निवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पैसों को चार गुना करने वाले ठग गिरोह के 3 अंतर्राज्यीय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 12 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। बदमाशों ने रुपए को चौगुने करने के नाम पर 6 सितंबर 2020 को ओरछा निवासी राजेंद्र यादव से यह ठगी की थी, जिसमें 12 लाख रुपए ठगा गया था। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके डेरे से 12 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। दरअसल ओरछा निवासी राजेंद्र यादव को रुपए चौगने करने का लालच देकर ठगों ने 6 सितंबर 2020 को प्रदीपुर थाना क्षेत्र के अछरू माता मंदिर के पास बुलाया और 12 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। उक्त घटना की सूचना पुलिस में दर्ज की गई और ओरछा पुलिस की साइबर सेल की मदद से 3 अंतर्राज्यीय ठगों गब्बर गौड़, सुरेश गौड़, अजय गौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे 12 लाख रुपए जब्त किए हैं। बावजूद उसके अब तक इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है और पूछताछ के बाद पुलिस को उम्मीद है जल्द ही इस पूरे काले कारोबार के सरगना तक पुलिस पहुंचेगी। बुंदेली तर्कस के लिए ओरछा से ब्यूरो रिपोर्ट। निवाड़ी पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह ठगी का जो था उसका पर्दाफाश किया है। हमारी आवेदक जो है रंजना, श्रीमती रंजना यादव, उन्होंने कंप्लेंट करी थी और उन्होंने अपने 12 लाख रुपए को चौगुना करने का झांसा दे करके ठगी करना अपने साथ होना बताया था। तो 12 लाख पूरे पैसे बरामद हुए हैं। साथ ही 3 अभियुक्त हैं जिनको अभी हमने पकड़ा है, बाकी अभी फरार हैं जिनका पता किया जा रहा है। मैम, अभियुक्त कहाँ से गिरफ्तार किए हैं और क्या अभियुक्त कुछ और घटना को अंजाम देने में की फिराक में थे क्या? देखिए, जब ये हमको आवेदन पत्र मिला उसके बाद हमने इसको साइबर के माध्यम से सर्विलांस में और ट्रैचिंग में लगा रखा था। उसके द्वारा हमने काफ़ी कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट हुई और हमने टीम गठित करके जो संभावित जहाँ इनकी लोकेशंस थी वहाँ हमने दबिश दी। दुआ नर्सरी करके बमोरी थाना के अंतर्गत टीकमगढ़ ज़िले में एक जगह थी, वहाँ हमने इनके डेरे पर दबिश दी जा करके, तो ये हमें वहाँ पर मिले और वहीं से पैसों की बरामदगी हुई। मैम, कितना पैसा बरामद हुआ? 12 लाख रुपए पूरे बरामद हुए हैं। चूँकि अभी इनके साथी गणों के मध्य पैसे का बंटवारा नहीं हो पाया था, इसीलिए वो हमें डेरे में पूरे के पूरे मिले। मैम, जो आरोपी हैं इसमें और कुछ आरोपी फरार हैं कि 3 ही आरोपी हैं? अभी हमको प्राथमिक रूप से 3 आरोपी ही मिले हैं, बाकी गिरोह का जो सरगना है बाबा उर्फ मुकेश, उनके और 2 अन्य उनके साथियों के पता नहीं थे। मैम, इन आरोपियों पर किस धारा में मामला पंजीकृत किया? 420 की धारा में पंजीकृत किया गया है।